गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू एपिसोड सचिन तेलकर ब्लॉग। सो गाइज, मैं आज आपके लिए एक नई कंट्री ले आया हूँ। ओके गाइज, सो इस कंट्री का नाम है गाइज ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कोड है BVI। ये गाइज कंट्री लोकेटेड है कैरिबियन सी में, ये एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है गाइज। तो इसका क्लोजेस्ट कंट्री को कौन सी है नियर बाय? ओके गाइज, तो इसकी नियर बाय कंट्री है गाइज US वर्जिन आइलैंड, ये पास में पड़ती है गाइज। एंग्यूला ये भी पास में पड़ती है गाइस। पुरतो रिको ये भी पास में पड़ती है गाइस। तो ये तीन कंट्री है वो इसके पास में पड़ती है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के पास में। ओके गाइस, अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे गाइस। तो इसका कैपिटल है गाइस रोटाउन, एक लार्जेस्ट विलेज है गाइस। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज गाइस यहाँ पे इंग्लिश। और इथनिक ग्रुप से गाइस 76% है ब्लैक, 5.6% है हिस्पैनिक, और 5.4% है वाइट, और 2.1% है गाइस यहाँ पे इंडियन। तो यहाँ पे इंडियंस है गाइस। ओके गाइस, अभी हम आते हैं इसके पॉपुलेशन पे गाइस। तो यहाँ पे गाइस सिर्फ 30,500 पॉपुलेशन है गाइस। तो आपकी, आप जहाँ पे भी रहते हो उसके उससे कम है पॉपुलेशन। कौन, आप जहाँ कहाँ से भी हो उस सिटी से भी कम है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बहुत कम है गाइस यहाँ पे। और मैं आपको यहाँ की आगे का ये बताता हूँ कि करेंसी कौन सी चलती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे गाइस करेंसी है USD। ओके गाइस, तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स चलती है यहाँ पे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। और ड्राइविंग साइड है गाइस लेफ्ट, कॉलिंग कोड है +1284 गाइस। रिलीजन यहाँ पे चलते हैं क्रिश्चियन रोमन कैथलिक। ठीक है गाइस, और अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे। इंडियंस को वीज़ा लगता है नहीं लगता है, और लगता है तो कितने दिन का लगता है, और नहीं लगता है वीज़ा ऑन अराइवल से तो कितने दिन तक हम वहाँ पे रह सकते हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। ठीक है, तो वीज़ा का गाइस ऐसा है कि 30 डेज़ के लिए गाइस इंडियंस को वीज़ा नहीं लगता है, ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है 30 डेज़ का। फिर आगे जाके आप अगर इमिग्रेशन में जाते हो तो उसे एक्सटेंडेबल है वो, तो एक्सटेंड कर सकते हो गाइस। ओके गाइस, अभी हम आते हैं इसके जॉब सेक्टर पर। तो यहाँ पे टूरिज्म है प्लेस, तो होटल इंडस्ट्रीज है, रिटेल स्टोर्स है, तो ये ज़्यादा चलते हैं वहाँ पे। ठीक है गाइस, और इसकी सैलरी पे अभी हम आते हैं। तो मिनिमम गाइस 476 USD है यहाँ पे मंथली, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 38,556। अभी हम आते हैं इसके एवरेज सैलरी पे गाइस। तो एवरेज सैलरी है 1705 मंथली, तो INR में होते हैं 1,38,000। ओके गाइस, अभी हम आते हैं हाईएस्ट सैलरी, हाई कितनी मिल सकती है यहाँ पे। तो 8,296 USD मंथली, और यहाँ पे हो जाते काफ़ी अच्छा है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा हाई सैलरी है। तो ये तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स और इसके लिए हो जाते हैं, बड़ी पोस्ट के लिए होते हैं गाइस। तो 6 लैक्स अबव हो जाती है गाइस यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है गैस, तो जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन होगा गैस, और आपका एक्सपीरियंस के ऊपर भी बिलोंग करता है कि आपको कौन से एवरेज में मिलेगी, क्या अबव एवरेज आपको सैलरी मिलेगी। तो सब आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस फील्ड से बैकग्राउंड करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप 5-स्टार होटल में मैनेजर के लिए जाते तो आपको ऑब्वियसली अच्छी खासी पैकेज मिल जाएगी। ठीक है, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो आप स्टोर डाल दो, डिपार्टमेंट स्टोर डाल दो, ग्रॉसरी का स्टोर डाल दो, इंडियन रेस्टोरेंट डाल दो, सालोन डाल दो, तो बहुत चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैक्सी डाल दो। ठीक है, तो बहुत चीज़ें हैं, हम वहाँ पे जाके कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा का मैटर आता है। तो मैंने आपके लिए एक रूट भी निकाला हुआ है कि आप डायरेक्ट वहाँ पर विदाउट वीज़ा जा सकते हो, ट्रांजिट भी वीज़ा नहीं लगेगा आपको इस रूट पर, और आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में तो काफ़ी स्टोर्स भी है गाइस, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो गूगल पे भी। तो काफ़ी इंडियंस ऑनर है, इंडियन स्टोर्स है, ग्रॉसरी स्टोर्स है। तो अगर आपका कैपिटल अच्छा है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड आपका अच्छा है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कुछ बिजनेस बड़ा करना है, तो आप वहाँ पे फूड कोर्ट डाल दो, डिपार्टमेंट स्टोर हो गया, तो काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आप प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आप खुद डिसाइड कर लोगे कि ये अच्छा बिजनेस चल सकता है। ठीक है गाइस, तो अभी फाइनल में अभी आपको रूट बता देता हूँ आप किस तरह से जाओगे, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, इंक्लूडिंग फ्रेश पासपोर्ट। मैंने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं वो सब फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर देखते हुए ही बनाई हुई है, क्या जहाँ पे आपको कहाँ पे भी वीज़ा नहीं लगेगा, इंक्लूडिंग ट्रांजिट वीज़ा। ठीक है गाइस, तो आज का भी ऐसा ही है गाइस, जहाँ पे वीज़ा लगेगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे वीज़ा लगेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ट्रांजिट वीज़ा भी गाइस। ठीक है,
तो इस रूट का मैं आपको बता देता हूँ रूट क्या है इस कंट्री का, ठीक है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का। तो गाइस मुंबई टू एम्स्टरडम आपको आना है KLM एयरलाइन से या इथिया एयरवेज से, ठीक है, मुंबई सिंगापुर या एम्स्टरडम, मुंबई सिंगापुर एम्स्टरडम या मुंबई दुबई एम्स्टरडम, मुंबई UAE एम्स्टरडम। एम्स्टरडम के लिए काफ़ी फ्लाइट है गाइस, KLM एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट भी है एम्स्टरडम के लिए, मुंबई एम्स्टरडम, ठीक है। आप एम्स्टरडम पहुँच जाओगे, फिर एम्स्टरडम से आपको KLM एयरलाइंस ही सर्विस देती है SXM सेंट मार्टिन जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, SXM का एयरपोर्ट का ये है कोड, और उसका नाम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है जुलियाना, प्रिंसेस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको आना है, ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है यहाँ पे भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ गए एम्स्टरडम से SXM में, ठीक है, फिर वहाँ से आपकी फ़्लाइट होगी SXM से किंगस्टन, बीफ आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का एक ये है पार्ट, ठीक है। तो आपको बीफ आइलैंड आना है, दैट्स इट, आपका आप पहुँच गए यहाँ पे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड विदाउट एनी ट्रांजिट वीज़ा, विदाउट वीज़ा, इंडियंस को वीज़ा नहीं लगता है, लास्ट स्टॉप डेस्टिनेशन पे तो वीज़ा नहीं लगता है, ट्रांजिट में भी आपको वीज़ा कहीं पे भी नहीं लगा इंक्लूडिंग एम्स्टरडम, एम्स्टरडम से SXM KLM एयरलाइंस, ठीक है, और सेम एयरलाइंस होगी SXM से बीफ आइलैंड माने कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ओके गाइस। तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया, आपका पास कैपिटल होगा, फाइनेंस होगा, तो आप ये प्लीज़ यूज़ करें ये रूट को, वहाँ पे जाइए कुछ बिजनेस करें, करेंसी USD चलती है, अच्छा खासा आपको कन्वर्जन रेट मिल जाएगा, अगर आप सेट हो सकते हो इन फ्यूचर में, आप लॉन्ग टाइम तक रहोगे तो आपको सिटीजनशिप का भी चांसेस है या ग्रीन कार्ड का भी चांसेस हो जाएगा, और एक ब्रिटिश की टेरिटरी है, ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है गाइस, ठीक है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। तो यही था गाइस, अभी के लिए इतना है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, सचिन तलक का ब्लॉग, हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।